हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई सीरीज परोशपुर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है परोशपुर राज्य से, जहाँ पर औरतों के लिए बहुत कड़े नियम कानून है। अगर कोई औरत उन नियमों को तोड़ती है तो उसे जान से मार दिया जाता है। फिर हम देखते हैं परोशपुर का महल, जहाँ पर रहती है रानी मीरावती। आज उसके पति राजा भद्र प्रताप की फिर से शादी होने वाली है। रानी मीरामती ही सारे इंतजाम कर रही थी। एक्चुअली राजा की बहुत उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसे शादी करनी होती है। राजा मीरावती से कहता है कि पिछली बार जो हुआ वो अभी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली राजा की वाइफ सुहागरात के बाद गायब हो जाती है। ये सिलसिला रानी रयंतारा से शुरू हुआ था और अब तक बहुत सी रानियां ऐसे ही गायब हो चुकी है। मीरावती राजा से कहती है कि इस बार उसने सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा ली है, इसलिए इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा उससे कहते हैं कि अगर वैसा हो गया तो उनके लिए काफी बुरा होगा। जिसके बाद राजा की शादी शुरू होती है। राजा की शादी राजकुमारी उमंगलता से हो रही थी। राजा के दो बेटे हैं, पहला बेटा आदित्य और उसकी वाइफ कुसुमलता। आदित्य एक गे है, इसलिए वो कुसुमलता को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। कुसुमलता चाहती है कि उनका एक बच्चा हो, लेकिन आदित्य वैसा नहीं कर सकता। तो वही राजा का दूसरा बेटा है रणवीर, जो एक आर्टिस्ट है और वो कला नाम की एक दासी से प्यार करता है। सब लोग साथ तो हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जब राजा की शादी हो रही थी तभी वहां पर बोरिस आता है। बोरिस एक ट्रांसजेंडर है और उनकी बातों से पता चलता है कि वो राजा को ज्यादा पसंद नहीं करता। बोरिस नई दुल्हन को आशीर्वाद देता है कि जो पिछली रानियों के साथ हुआ वैसा उसके साथ ना हो। शादी हो जाती है और उमंगलता उदास थी कि उसकी सुहागरात एक बूढ़े आदमी के साथ होने वाली है। तो वही राजा भी उदास था, क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ भी करने के कैपेबल नहीं है। वो उमंगलता के पास जाता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो उमंगलता पर आरोप लगाता है कि वो राजा को खुश नहीं कर पाई, इसलिए वो उसे सजा देता है और उसकी पीठ पर मोम डाल देता है। तो वही मीरावती भी नाराज थी, क्योंकि राजा आज नई रानी के साथ था। कुसुमलता उसे ताना देती है कि अगर नई रानी ने राजा को खुश कर दिया तो मीरावती की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। मीरावती अपनी दासी कला को बुलाती है, लेकिन कला राजकुमार रणवीर के साथ बिजी थी। मीरावती के बुलाने पर वो वहां पर आ जाती है। कला के हाथ में राजकुमार रणवीर की अंगूठी थी, जिसे देखकर मीरावती सब कुछ समझ जाती है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो वही उमंगलता अपने पापा को खत लिखती है कि यह राज्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ का राजा सनकी है, जो उसे मार डालेगा। इससे पहले वो मर जाए, उसे आकर बचा ले। वो एक दासी के हाथों इस चिट्ठी को भेजती है, लेकिन सेनापति उस दासी को पकड़ लेता है और चिट्ठी पढ़ने के बाद वो उस दासी को मार देता है। अगले दिन उमंगलता मीरावती के पास आती है और उसे अपने जख्म दिखाने लगती है। वो कहती है कि किस सनकी राजा के साथ उसकी शादी करवा दी। उसने अपने पापा को खत लिखा है और वो जल्द ही यहाँ आकर उसे ले जाएंगे। लेकिन मीरावती उसे बताती है कि उसका खत पहले से पकड़ा गया है और अगर फिर से उसने ऐसा कुछ किया तो उसे भी मृत्यु दंड मिल जाएगा, इसलिए वो ऐसा कुछ भी ना करे। उसका सौभाग्य है कि वो परोशपुर की रानी बनी है। तो वही राजकुमार आदित्य कुसुमलता के साथ इंटीमेट नहीं हो पाता, क्योंकि वो गे है। उसका एक भानु नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। तो कुसुमलता भी अपनी एक दासी कामाक्षी के साथ अफेयर कर लेती है। तभी राजमहल में एक नकाबपोश आता है और सभी सिपाहियों को मारकर रानी उमंगलता के पास जाता है। वो उसे लेकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। रानी उमंगलता के गायब होने पर राजा मीरावती पर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी रानी गायब हो गई। एक सिपाही आकर बताता है कि एक नकाबपोश आकर रानी को ले गया। सिपाही डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाया। जब सेनापति ये सुनता है तो वो उस सिपाही को मार देता है। तो वही रानी मीरावती का अफेयर भानु के साथ चल रहा था। मीरावती काफी टेंशन में थी, तो भानु से कहता है कि वो पड़ोस के राजा को चिट्ठी लिखे और उन्हें यहाँ हमला करने के लिए बोले और उसका अपने पति से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन रानी मीरावती कहती है कि वो इतना सब कुछ इसलिए नहीं सह रही ताकि कोई दूसरा आकर उन पर राज करे। वो कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि उसे आगे क्या करना है। जिसके बाद रानी मीरावती कला से मिलती है। वो कला को कहती है कि वो उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहती है।
इससे कला काफी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शादी रणवीर के साथ होने वाली है। लेकिन रानी मीरावती कहती है कि सबसे पहले कला को एक टेस्ट देनी होगी ताकि ये साबित हो जाए कि कला इस परिवार में आ सकती है या नहीं। वो कला को एक सेडक्टिव डांस करने के लिए कहती है। वहां पर वो महाराज को बुलाती है और कहती है कि ये उनकी नेक्स्ट वाइफ होगी। महाराज पहले तो मना करते हैं कि वो एक दासी से शादी नहीं कर सकते, लेकिन कला का डांस देखकर वो शादी के लिए मान जाते हैं। तो वही राजकुमार रणवीर भी कला का डांस देख रहे थे। मीरावती रणवीर से कहती है कि कला रणवीर के लिए नहीं नाच रही, उसे रानी बनने का शौक है इसलिए वो राजा को इम्प्रेस कर रही है। रणवीर राजा के साथ बात करने जा रहा था तो मीरावती उसे रोककर कहती है कि वो राजा के साथ विद्रोह नहीं कर सकता, इसके लिए उसे सजा भी हो सकती है। जिसके बाद रणवीर वहां से चला जाता है और कला और राजा की शादी हो जाती है। कला को अभी भी नहीं पता था कि उसकी शादी राजा से हुई है, उसे तो लग रहा था कि रणवीर ही उसका पति है। लेकिन तभी वहां पर राजा आते हैं। कला राजा को कहती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे लगा था कि उसकी शादी किसी और से हो रही है, लेकिन राजा उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करता है। कला राजा को सेटिस्फाई कर देती है जिसकी वजह से वो कला पर काफी ज्यादा खुश था। तो वही कुसुमलता आदित्य को ताने दे रही थी कि ना ही वो बाप बन पा रहा है ना ही राजा, उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा नहीं तो उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। अगले दिन रणवीर कला से मिलता है और कला काफी ज्यादा नाराज थी। रणवीर उसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से कहीं और भाग जाएंगे, लेकिन कला का कहना था कि अब वो उसकी लवर नहीं बल्कि माँ बन गई है। रणवीर इन सब बातों को नहीं मानता और वो कला के साथ भाग जाना चाहता है। वो दोनों रोमांस करने लगते हैं, तभी मीरावती राजा को वहां लेकर आती है और उन्हें दिखाती है कि रणवीर और कला के बीच में क्या चल रहा है। वो ऐसे दिखाती है जैसे पहले उसे कुछ भी पता नहीं था। राजा इससे गुस्सा होते हैं और कला को मृत्यु दंड देते हैं, लेकिन नकाब को छाकर कला को बचा लेता है। कला भी महल से गायब हो जाती है और राजकुमार रणवीर भी महल में नहीं थे। राजा को लगता है कि रणवीर कला को लेकर भाग गया, इसलिए वो रणवीर को हर जगह ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन रणवीर कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। राजा इससे काफी परेशान हो गया था। राजा कई सालों के बाद मीरावती के रूम में जाता है और उनसे कहता है कि वो आज राजा बनकर नहीं बल्कि बाप बनकर आया है और वो चाहता है कि रणवीर जल्द से जल्द महल वापस आ जाए। मीरावती कहती है कि वो अपने सारे फोर्सेस लगा देगी और रणवीर को ढूंढ के महल लाएगी। राजा रणवीर वापस आने के लिए महल में एक हवन करवा रहा था। वहां पर बोरिस आता है और उसे कहता है कि आज तक यहाँ से कितनी औरतें गायब हो गई, लेकिन कभी भी राजा ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की ना ही उनके लिए कोई हवन किया। लेकिन जैसे उसका बेटा गायब हो गया वो ये सब कुछ कर रहा है। क्या उसके लिए औरतों के लिए कोई भी इज्जत नहीं है? लेकिन राजा उसकी इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। बोरिस उससे काफी ज्यादा दुखी होता है और भानु के पास चला आता है। बोरिस इतने सालों में पहली बार रो रहा था। भानु उसे शांत करता है और हमें पता चलता है कि भानु का बोरिस के साथ भी अफेयर चल रहा है। तभी कला की आंखें खुलती है और कला एक महल में थी। वहां पर राजा की सारी गायब हुई रानियां भी थी। कला उनसे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आ गई। तब पता चलता है कि वो नकाब कोश जो रानियों को भगा ले जाता था वो कोई और नहीं बल्कि बोरिस था। एक्चुअली रानी मीरावती ने बोरिस के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था, इसलिए बोरिस ही रानियों को यहाँ लेकर आता क्योंकि वो जानता था कि महल में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वही मीरावती को भानु और आदित्य के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वो भानु को मार देती है। तो वही राजकुमार रणवीर एक तहखाने में चला गया था। उसे वहां पर रानी नयनतारा की लाश दिखाई देती है जिसे बहुत ही अच्छे से रखा गया था। तभी उसे कोई बेहोश कर देता है और उसे एक पेटी में रखकर महल वापस भेज दिया जाता है। रणवीर को वहां देखकर राजा काफी खुश था। रणवीर उसे बताता है कि उसने नयनतारा की लाश को देखा। ये सुनकर राजा मीरावती पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। एक्चुअली मीरावती के बाद राजा की रानी नयनतारा से शादी हुई थी, लेकिन रानी नयनतारा किसी और से प्यार करती थी इसलिए वो राजा को मारने की कोशिश करती है। वो उसके ड्रिंक में जहर मिलाती है, लेकिन राजा वही ड्रिंक नयनतारा को पीने के लिए कहता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद राजा मीरावती से कहता है कि नयनतारा को कहीं दफना दे, जिसके बाद मीरावती नयनतारा को उसी दीवार में दफना देती है। लेकिन मीरावती का प्लान था
कि वो नयनतारा को ऐसे ही नहीं दफनाएगी। वो उसकी बॉडी को एक लेप लगा देती है ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो, और बाद में उसकी बॉडी को निकाल कर संभाल कर तहखाने में रखती है। राजा जब उस दीवार को फोड़ता है तो वहां पर नयनतारा की लाश नहीं थी। इससे राजा मीरावती पर बहुत गुस्सा होता है और उसे भी मृत्युदंड देता है। जब मीरावती को फांसी लगने वाली थी तो राजा उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मीरावती बताती है कि वो जानती थी कि राजा कुछ भी करने के काबिल नहीं है, फिर भी वो शादियों पर शादियां कर रहा था और सारी रानियों का अंजाम यही होता, और बाकी की रानियों के साथ ऐसा ना हो इसलिए उसने उन रानियों को यहाँ से गायब कर दिया। सारी रानियां जिंदा है और बहुत ही खुश है। ये सुनकर राजा मीरावती पर और ज्यादा गुस्सा होता है। मीरावती राजा से कहती है कि उसकी मौत इस राज्य को तबाह कर देगी, राजा का सर्वनाश होगा और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वही हर तरफ खबर फैल जाती है कि मीरावती को फांसी होने वाली है। जब बोरिस और बाकी रानियों को ये खबर मिलती है तो वो रानी मीरावती को बचाने के लिए वहां आने लगते हैं। लेकिन कला का कहना था कि रानी मीरावती बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसने कला को धोखा दिया और उसकी राजा से शादी करवाई। लेकिन बाकी रानियां उसे समझाती है कि उस महल के मर्द भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन कला का कहना था कि जो भी हो रणवीर वैसा नहीं है। बाकी रानियां और बोरिस अपनी सेना के साथ मिलकर राजा पर हमला कर देते हैं और रानी मीरावती को बचा लेते हैं। राजा वहां से भाग रहा था तो सारी औरतें मिलकर उसको मारने के लिए उसके पीछे आती है। राजा काफी डर गया था और वो औरतें उसे मार ही देती है। तो वही कला रणवीर के पास आती है और रणवीर कला को देखकर काफी ज्यादा खुश था। कला रणवीर से पूछती है कि वो उसे ढूंढते हुए वहां तक क्यों नहीं आया, लेकिन रणवीर उसे कहता है कि वो मजबूर था। कला समझ जाती है कि रणवीर उसे प्यार नहीं करता, अगर प्यार करता तो उसे ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन रणवीर उसे सच्चा प्यार नहीं करता, इसलिए कला उसे छोड़कर चली जाती है। सब लोग खुश थे क्योंकि रानी मीरावती आजाद हो गई थी और राजा की मौत हो गई थी। बोरिस महल में जाता है तो राजकुमार आदित्य भानु की लाश के पास बैठकर रो रहा था। भानु को मरा हुआ देखकर बोरिस भी रोने लगता है। वो आदित्य से पूछता है कि भानु को किसने मारा, लेकिन आदित्य को कुछ भी पता नहीं था। तभी वहां पर कुसुमलता आती है और उन्हें बताती है कि मीरावती ने भानु को मार दिया था। ये सुनते ही बोरिस मीरावती पर बहुत गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए जाने लगता है। मीरावती काफी खुश थी क्योंकि वो आजाद हो गई थी। बोरिस मीरावती को मारने वाला था तभी एक नकाबपोश आकर बोरिस को मार देता है। ये नकाबपोश था राजकुमार वीर सिंह, जो किसी और राज्य का राजकुमार था। वो नयनतारा का मंगेतर था, इसलिए नयनतारा को ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो तहखाने में जाता है तो वहां पर नयनतारा की बॉडी थी, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो उसे वादा करता है कि वो नयनतारा का बदला जरूर लेगा। और यही पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये था पोरोशपुर सीरीज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसकी स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।